बहुत बहुत स्वागत। नहीं छूटेगी कोई खबर। आप देख रहे हैं एमपी दिनभर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अशोकनगर से खबर मिल रही है, टायर कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और देखते ही देखते ही आग फैलती चली गई। इतना ही नहीं, पास में ही एक अस्पताल है, वहां तक लपटें पहुंच रही हैं। इसके चलते मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। टायर कंपनी की बिल्डिंग में आग और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। अशोक नगर में आग का तांडव, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टायर कंपनी के बिल्डिंग में आग लगी है और अब तेजी से फैलती चली जा रही है। आसपास का जो इलाका है, पास में ही एक अस्पताल है, वहां के मरीजों को तत्काल शिफ्ट किया जा रहा है। टायर में जब भी आग लगती है, धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार, बेहद खतरनाक काला धुआं, और वो भी लगातार फैल रहा है। बिल्डिंग के बाहर तेज लपटें निकल रही हैं। स्थानीय लोग, फायर फाइटर्स लगातार लगे हुए हैं आग पर काबू पाने की कोशिश करने के लिए, लेकिन अब तक कोई काबू इस आग पर हो नहीं पाया है। इधर पास में ही एक अस्पताल है जहां से तत्काल मरीजों की सुरक्षित शिफ्टिंग शुरू कर दी गई। लगातार कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू पाने की, लेकिन अब तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। टायर में आग होने की वजह से हालात और ज्यादा खराब। खबर इंदौर से, जहां एक युवक की पिटाई की गई। चोरी की आशंका में इसे बेदम बेरहमी से पीटा गया। क्षिप्रा थाना इलाके के मंगलिया में चोरी की शंका में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। तीन बदमाशों ने इसे बेरहमी से पीटा। ग्वालटोली इलाके में रहने वाले बदमाश सचिन बोरासी और ऋषभ बोरासी का ये वीडियो बताया जा रहा है। बदमाश सचिन बोरासी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बेरहमी से मारपीट का ये वीडियो उनका वायरल हुआ है। चोरी की आशंका में बेदम पिटाई की गई है, युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी लगते ही चुनाव ड्यूटी से हटने के आवेदन शुरू हो गए हैं, और आवेदन से ज्यादा इसमें ड्यूटी से बचने के लिए बहाने भी बड़े रोचक हैं। बहुत दिलचस्प है ये। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में मैनेजर स्तर के एक अफसर ने हद कर दी है। उन्होंने आवेदन में लिखा है कि अचानक याददाश्त चली जाती है, दो दो घंटे तक नहीं आती है। हालांकि उनके आवेदन को प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड के पास भेज दिया है। इतना ही नहीं, लश्कर सर्कल के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने चुनाव ड्यूटी न लगाने के लिए आवेदन में लिखा, मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है, ये अप डाउन होता रहता है, कभी भी चक्कर आ जाते हैं। ऐसे ऐसे बहाने, ये दिल ना माने कैसे कैसे बहाने। निर्वाचन ड्यूटी का कैंसलेशन या फिर अवकाश, मतलब ये सामान्य प्रक्रिया है सारे के सारे विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा या फिर अपने लोकल इलेक्शंस में। तो फिर इसमें ऐसे आवेदन आते हैं, कुछ इसमें आवेदन ऐसे रहते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, जैसे कोई अपनी महिला कर्मी है, बहन है जो कि गर्भवती है, या फिर कोई अपने दिव्यांग बंधु हैं। बट इनके साथ साथ में बहुत से आवेदन ऐसे आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। सामान्यतः किन्हीं के हाथ में दर्द है, किन्हीं के पाँव में दर्द है, तो फिर इस प्रकार से भी आवेदन आते हैं। तो जिस भी आवेदन में जो भी निष्कर्ष निकालना होता है, हम लोग अपनी टीम के माध्यम से निकाल। खबर सतना से, जहां चुनाव आदर्श आचार संहिता की वजह से 100 परिंदों को आजादी मिल गई। दरअसल पुलिस ने रामपुर बघेलान के बेला केमार बाईपास पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान एक बहेलिया पक्षियों को पकड़ने वाला बहेलिया मोटरसाइकिल से पिंजरे में 100 तोतों को ले जाता हुआ पकड़ा गया। बहेलियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तोतों को वन विभाग सौंप दिया गया और इन्हें बाद में आजाद कर दिया गया। वन विभाग ने वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। भिंड जिला चिकित्सालय से मानवता को हैरान करने वाला, शर्मसार करने वाला मामला सामने आया।
यहां डिलीवरी के लिए आई एक महिला को नर्सिंग स्टाफ ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद अस्पताल परिसर में खुले में इस महिला की डिलीवरी हुई। महिला के परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर 5,000 रुपए की डिमांड का आरोप लगाया है। पैसे ना देने पर स्टाफ ने महिला को जिला अस्पताल से रेफर करने के नाम पर बाहर निकाल दिया। परिजनों ने इसका वीडियो बना लिया है। मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से की गई है। तत्काल कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड भी पहुंचे और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल को बुलाकर स्टाफ नर्सों की पहचान करवाई है। मैटरनिटी वार्ड इंचार्ज रामबाई को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए गए। खबर खंडवा से, यहां के निजी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी में राम मंदिर की प्रतिकृति यानी मॉडल तोड़े जाने का आरोप लगा है। मामला सेंट पास स्कूल का है। जानकारी मिलने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन से सवाल पूछे, दोषी पर कार्रवाई की मांग की। जांच के लिए एसडीएम सीएसपी और जिला शिक्षा अधिकारी भी स्कूल पहुंचे। सिटी एसपी का कहना है कि इस मामले की जांच जारी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल सेंट पास स्कूल आया था। सेंट पायस स्कूल के विद्यार्थियों से हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर क्या बोलते रहे, स्कूल में एग्जीबिशन चल रहा था। वहाँ पर अपने अपने धर्म के हिसाब से सभी प्रकार के बच्चे अपने अपने धर्म के संदर्भ में मॉडल लेकर आए थे। तो ऐसे हिंदू बच्चे भी वहाँ पर राम मंदिर का मॉडल बना के लेकर आए थे। वहाँ के कुछ शरारती स्टूडेंटों के द्वारा उस मॉडल को तोड़ दिया गया है, जिससे वहाँ के स्टूडेंट में आक्रोश व्याप्त है और स्टूडेंटों की हमारी सबों की धार्मिक भावना आहत हुई है। बच्चों की वैज्ञानिक एग्जीबिशन लगी हुई थी और वो उसमें उन्होंने जो वैज्ञानिक मॉडल्स बनाए थे और जो क्राफ्ट और क्रिएटिव आर्ट के नमूने बनाए थे, उनकी प्रदर्शनी उनके ऑडिटोरियम में थी और पास के कमरे में रखी हुई थी। तो आज कोई पास के कमरे में जो मॉडल रखे हुए थे उसमें से एक मॉडल बताया कि धार्मिक था, तो वो कहीं गिर गया या थोड़ा सा स्थान से अपने स्थान से खिसक गया, तो इस तरह की शिकायत मिली थी कि शायद किसी ने ऐसा कर दिया हो। तो मैं और एसडीएम साहब और जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ गए थे, मौके पर देखा था जाकर के। तो ऐसा लगता है कि शायद दुर्घटनावश गिर गया है, परंतु वहाँ की आंतरिक जांच कमेटी गठित हुई है शिक्षकों की और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो अगर कुछ पाया जाता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। आगर मालवा जिले में बेरोजगारों से सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में सुसनेर पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिफ पठान को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि जयपुर निवासी आरिफ पठान नकली आईएएस इंद्रराज भारद्वाज बनकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। पूछताछ में ठगी के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि आरिफ पठान दांत का डॉक्टर है, जयपुर में अस्पताल का भी संचालन कर रहा है। आपको बता दें कि आगर मालवा जिले के सुसनेर थाने में 6 अक्टूबर को सरकारी बेरोजगार युवकों से 3,17,00,000 से ज्यादा की ठगी का मामला दर्ज हुआ था। लड़ी वाला मामला था, इसमें किस तरह की प्रोग्रेस हुई है, क्या है? ये दिनांक 6/10/2023 को फरियादी फुरकान कुरैसी पिता इरशाद मोहम्मद कुरैसी निवासी सुसनेर ने एक रिपोर्ट की थी, लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर 420 का मुकदमा कायम हुआ था। आरोपी इंद्रराज भारद्वाज उर्फ आरिफ पठान निवासी जयपुर और एक और आरोपी है साथ में लक्ष्मण प्रसाद शर्मा निवासी भरतपुर राजस्थान। इधर छतरपुर में आचार संहिता लागू होने के बाद अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश दी और भारी मात्रा में बने और अधबने यानी जो बन रहे थे ऐसे कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री से हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। चुनाव के नजदीक आते ही आरोपी ने देशी कट्टा बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी। पुलिस को यह आशंका है कि हथियार चुनाव में गड़बड़ी के इरादे से बनाए जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर पुलिस जो है लगातार जितने भी अवैध गतिविधियां हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि थाना जुझार नगर में वहीं के रहने वाले वार्ड 7 में एक परिवार में कट्टा बनाया जा रहा है। इसको वेरीफाई किया गया, फिर गंभीर मैटर था तो थाना प्रभारी अपनी टीम सहित गए वहाँ पे, दबिश दी तो वहाँ पे हमें 2 315 बोर के कट्टा और कुछ अधबने हुए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थे कट्टे 315 बोर के, कुछ कारतूस 315 बोर का और कट्टा बनाने की सामग्री वगैरह काफ़ी बड़ी संख्या में हमने वहाँ से जब्त किया है। आरोपी जो थे उनको भी राउंड अप कर लिया गया, आरोपी को भी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 15 लाख से ज्यादा की स्मैक बरामद की।
साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये स्मैक उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के भिंड लाई जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को से पूछा कि आखिर गेमिंग ऐप से उन्हें इतना प्यार क्यों है। इस मुद्दे पर उनसे बात की हमारे डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। इस वक्त मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको भी मिली है और कई जगह दौरे भी कर रहे हैं। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला उनसे शुरू करते हैं। रविशंकर जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महादेव ऐप का जिक्र किया था, मुख्यमंत्री ने उसका जवाब ट्वीट करके दिया कि केंद्रीय नेताओं को जानकारी नहीं होती, पहले ये पता कर ले कि ईडी की जांच ऐप में किसने शुरू की। ईडी से पहले ईडी की जांच में उनके एक अंतरंग सहयोगी का नाम है कि नहीं, मैं नाम नहीं खोलूंगा, उनके इस जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा क्या है भूपेश बाबू कि भिलाई का एक साधारण बंदा जिसकी छोटी सी दुकान थी, वो अपनी शादी में 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में, सब कैश में पेमेंट है, सीने तारिकाओं को, सीने हीरोज को, सारी टिकटें उनके रिश्तेदारों की कैश से पेमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो कोई प्रोत्साहन था ना। तो मैं उनसे कहूंगा ईडी की चार्जशीट पढ़ लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि शायद डिजिटल गेम उनको अच्छा लगता है, चाहे कैंडी क्रश हो या फिर महादेव ऐप। और फिर भी नाम महादेव का, हम सबों के आराध्य, क्या मजाक है। तो मैं उनसे यही कहूंगा जो टिप्पणी कर रहे हैं, कृपया करके ईडी का डॉक्यूमेंट पढ़ लें, उसमें किसका किसका नाम है, कौन पैसे पहुंचाता था पदाधिकारियों को और नेताओं को। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ थे, छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कई मुद्दों पर आज उन्होंने घेरेबंदी की है और हमारे बातचीत में भी उन्होंने कई सारे अहम मुद्दों को उठाया। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां जिला कोर्ट ने पुलिसकर्मी को पत्नी की हत्या का दोषी पाया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 10,000 का अर्थदंड भी इस पर लगाया गया है। मामले में शासन की तरफ से लोक अभियोजन अधिकारी महेंद्र कुमार अग्रवाल ने पैरवी की। इस मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। इसमें एसआई बालकुमार ने विवेचना की थी। लोक अभियोजक महेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि आरक्षक हनीफ खान सरकारी आवास पर गार्ड की ड्यूटी में तैनात था, वो ड्यूटी छोड़कर अपने आवास पर पहुंचा, सरकारी राइफल से पत्नी को गोली मार दी। साक्ष्य के तौर जो उसकी जांच कराई गई एफएसएल से, उस सबसे प्रमाणित हुआ कि इस व्यक्ति के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की है। इसका पत्नी से पूर्व से विवाद भी चल रहा था। इसके संबंध में चांदनी के पिता द्वारा घटना से पहले 4 जनवरी को थाने में रिपोर्ट भी लिखाई थी, क्योंकि इसने अनीप ने अपनी पत्नी चांदनी की मारपीट भी की थी। अनीप पूर्व में जौरा में भी पदस्थ रहा है और अपनी ड्यूटी के दौरान इसके द्वारा जो कारतूस होते हैं सरकारी, वो उसके द्वारा कारतूसों की चोरी की गई। ग्वालियर पुलिस ने सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड में 4 आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। ग्वालियर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 4 आरोपियों को तिघरा के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल 3 कट्टे, 20 कारतूस बरामद किए गए हैं। 5,000 का इनाम इन पर घोषित था। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में शामिल नामजद 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। शिवपुरी जिले के पिछोर थाने के मल्हावनी गांव में अपनी 6 साल की बेटी को बचाने के प्रयास में एक महिला की मौत हो गई। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो पिछले 2 महीने से अपनी बेटी को लेकर भटक रही थी। महिला बेटी के साथ कुएं पर नहाने गई थी, अचानक बेटी का पैर फिसला, वो कुएं में गिर गई। बेटी को बचाने के लिए महिला ने कुएं में छलांग लगा दी, महिला की भी डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है।
सीधी जिले में एक महिला जनप्रतिनिधि के पति को कार्यालय में आने जाने पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है। कांग्रेस के नगर परिषद अध्यक्ष के पति के खिलाफ ये फरमान चुरहट नगर परिषद के सीएमओ ने जारी किया। पति के खिलाफ जारी फरमान से आग बबूला हुई महिला अध्यक्ष ने नगर परिषद सीएमओ पर विशेष दल और व्यक्ति विशेष के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। वहीं नगर परिषद सीएमओ कलेक्टर के निर्देश पर आदेश जारी करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा महिला अध्यक्ष पति पर कार्यों में हस्तक्षेप के आरोप भी लग रहे हैं। है उन्होंने जबरदस्ती कैमरा लगाया बिना हमसे पूछे, चोरी में उन्होंने कैमरा लगाया। और हमारे पति की बात है तो वो कभी ना ही किसी परिषद की बैठक में गए, ना कभी पीआईसी के बैठक में गए, ना कभी अध्यक्ष के चेयर में बैठे, फिर भी वो दखलअंदाजी बोलते हैं, हर काम में दखलअंदाजी करते, वो कभी दखलअंदाजी किए ही नहीं। ये प्रतिबंध उनके विरुद्ध बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। जैसा मैडम को या बाकी जिन उनने जहाँ बताया होगा तो ये उनका इंटरप्रिटेशन में थोड़ा गलती हो गई है उनसे। ये बात थी कि बहुत सारे पार्षदों द्वारा ये शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। सिवनी में पिछले 3 साल से लगातार आ रहे भूकंप के बाद सिवनी शहर भूकंप का बड़ा केंद्र बन गया है। 3 सालों में सिवनी शहर में 37 बार भूकंप आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से भूकंप के झटकों के बाद जिला प्रशासन के प्रयासों से सिवनी पहुंचे राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के दल ने इलाके का सर्वे किया। इसके बाद बताया गया कि भूगर्भीय हलचल की वजह से सिवनी में भूकंप आ रहे हैं और भविष्य में भी ये भूकंप आते रहेंगे। इलाके में 4 सिस्मोग्राफ लगाए गए हैं। भूकंप की घटनाओं की मॉनिटरिंग हो रही है। शहरवासियों से कहा गया कि अब वे भूकंप रोधी मकान बनाएं। 4 भूकंप केंद्र वेधशाला लगाया गया है जिसकी डेटा कंटिन्यूअस 24.7 हमारे दिल्ली केंद्र को जा रही है कि सिवनी के क्षेत्र के आसपास दरारें हैं, ऊर्जा के माध्यम से रिलीज करती है और रीएडजस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी भूकंप की घटनाएं यहां पर देखी गई। पिछले 3-4 साल में हमने जो स्टडी किया पता चला कि टोटल 37 भूकंप यहां आ चुके हैं। पब्लिक को ये बताना है कि पब्लिक को छोटे झटके आते रहेंगे। आपको क्या बताना है कि इंजीनियरिंग डिजाइन जो NDMA जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो समय समय पर गांव में शहरों में जानकारी देती रहती कि हमें अर्थक्वेक के समय अर्थक्वेक के पहले क्या करना चाहिए। तो हमें अच्छी तरह से इंजीनियर डिजाइन बिल्डिंग को बनाना चाहिए और BSI को कोड को फॉलो करना चाहिए। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सर्व पितृमोक्ष अमावस्या यानी भूतड़ी अमावस्या पर 2.5 से 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए ओंकारेश्वर मंदिर में VIP दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी। लोग लाइन में लगकर दर्शन कर सकेंगे। नर्मदा स्नान के साथ ही तांत्रिक क्रियाओं का दौर चलेगा। भीड़ को काबू में करने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ओंकारेश्वर के संगम घाट पर झाड़ फूंक और देह बाधा और कथित भूत बाधाओं से पीड़ितों को नर्मदा में स्नान करवाने के साथ ही तांत्रिक पूजा का दौर चलेगा। प्रशासन ने नर्मदा का जलस्तर भी 2 दिन सामान्य रखने के निर्देश NHDC को दिए हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हमने विभिन्न घाटों में यहां तक कि ओंकारेश्वर से मोरटक्का तक पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किए हुए हैं और किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। तक ये अनुमान है लगभग 2.5 से 3 लाख पब्लिक यहाँ पर आएगी, तो उसके लिए शासन के द्वारा पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या है। तो इसलिए बड़े वाहन जो है मोरटक्का में जो एक बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर बड़े वाहन रोके जाएंगे, वहाँ से ऑटो और टेम्पो के माध्यम से दर्शनार्थी और यात्रीगण जो है वो अंदर आ सकेंगे ओंकारेश्वर में। और छोटे वाहन जो है कोठी चौराहे पे हेलीपैड पार्किंग बनी हुई है वहाँ तक वाहन आएंगे। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है। ये पर्व नारी शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। देश की महिलाओं को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। ऐसी एक महिला है बुरहानपुर में जो 28 सालों से माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण कर रही हैं। ये शहर की पहली महिला मूर्तिकार हैं जो सम्मान के साथ बरसों से अपने हाथों से मिट्टी और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस से माँ शक्ति के अनेक स्वरूपों को गढ़ रही हैं। जी बताइए कि किस तरह की मूर्तियां बनाती हो माता रानी की और क्या क्या स्वरूपों में प्रतिमाओं को आकार देती हो? माता रानी की मूर्तियां तो सभी रूप 9 रूप होते हैं। 9 रूप के सभी जो भी डिमांड रहती है जैसी भी वैसे पूरा रूप दिया जाता है। गणेश जी है, माता जी है
और मिट्टी की भी बनती है, पी की भी है, प्लास्टर पेरिस भी बनाई जाती है। मेन हम लोग का मिट्टियों का काम है इधर, और 28 साल हो गए करीब ये काम को करते हुए। देखा गया कि बुरहानपुर जिले में पूरे शहर में जो है वो पुरुष वर्ग के जो है मूर्तिकार है, आप अकेली महिला हो जो माता रानी की मूर्तियों को बनाती हो, कैसा लगता है जब ये काम करती हो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत दूर दूर तक नाम होता है, सभी लोग जानते पहचानते हैं, सब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो देते अच्छा लगता है। कल वर्ल्ड कप में महामुकाबला खेला जाएगा, भारत और पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद में भिड़ेंगी, लेकिन नजर रन मशीन विराट कोहली पर होगी जिनके बल्ले से पाकिस्तान हर बार पस्त हुआ है। जुनून, जिद और जज्बा, मौजूदा वर्ल्ड कप में विराट जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसने विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बल्ला रनों की बारिश कर रहा है। विराट ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से चेज करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई, उसने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मौजूदा वर्ल्ड कप में विराट कोहली 2 मैच में 140 रन बना चुके हैं। विराट कोहली के इस प्रचंड फॉर्म को देखकर बाबर एंड कंपनी खौफ में है, और अब पाकिस्तान की टीम भी बोल रही है कि हमें विराट कोहली से बचा लो। वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो पूरे हिंदुस्तान की नजरें किंग कोहली पर रहेंगी। विराट कोहली वो बल्लेबाज है जिसकी बल्ले की धार किसी तलवार से कम नहीं है, और बात जब सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की हो तो विराट कोहली का कोई जवाब नहीं। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 15 मैचों में 55.16 की धमाकेदार औसत के साथ 662 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली 3 शतक भी लगा चुके हैं। वर्ल्ड कप में विराट कोहली टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। विराट कोहली रोहित की आर्मी का वो हथियार है जिसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो अकेले दम पर पाकिस्तान की टीम को धूल चटा सकते हैं। इस साल वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली के रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2023 में विराट कोहली के नाम 18 मैच में 62.66 की शानदार औसत के साथ 752 रन है। इस दौरान विराट कोहली के नाम 3 शतक और 4 अर्धशतक है। जितनी बड़ी चुनौती उतना ही दमदार खेल। विराट कोहली पर ये बात पूरी तरह से फिट बैठती है। वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म में विराट कोहली का खेल और भी निखर जाता है। विराट कोहली का बल्ला जब चलता है तो विरोधी टीम कांपने लगती है और उनकी सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाती है। अगर भारत को पाकिस्तान से जीतना है तो विराट का चलना बेहद जरूरी है। और चलते चलते आखिर में जरूर देखिए कि पितृपक्ष में लोग पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, लेकिन भोपाल में कई बुजुर्गों ने अपना पिंडदान खुद कर दिया। हमने जो सोचा जब आगे पीछे कोई नहीं है तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमें बच्चे पे भरोसा नहीं है, हमने अपना पिंडदान खुद ही कर दिया। अब सुकून है, कम से कम मौत के बाद मोक्ष तो मिलेगा। जिन बच्चों ने जिंदा रहते मरने के लिए छोड़ दिया उनका क्या भरोसा, क्या उम्मीद। यही सोचकर भोपाल के ओल्ड एज होम अपना घर में रहने वाले इन बुजुर्गों ने पितृपक्ष में खुद अपना पिंडदान कर दिया। ऐसा विचार आया जब जाने के कोई है ही नहीं, बेटा बेटा आता है उसका क्या भरोसा, इससे हमने अपना पिंडदान खुद ही कर दिया। हमें कोई ने नहीं बताया, हमने अपना पिंडदान खुद कर दिया। अपनों की बेरुखी झेल रहे ये बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव में समझ चुके हैं कि जो जिंदा रहते सुध लेने नहीं आए वो मरने के बाद पिंडदान करने क्या आएंगे। तो इस बार इन्होंने खुद ही अपना पिंडदान कर दिया। जीते जी तो अपनों का प्यार नहीं मिला, दुनिया से चले जाने के बाद शांति तो मिले। अरे कहने को बहुत लोग हैं हमारे रिश्तेदार भी, कोई किसी का भरोसा, इतने दिन 4-5-6 साल हो गए, अभी तक कोई एक इंसान भी नहीं आया, क्या भरोसा पिंडदान करे कि नहीं करे। इस वजह से हमने हमारा पिंडदान खुद ही कर दिया।
इन बेसहारों ने एक दूसरे को सहारा बनाकर फिर से जीना शुरू कर दिया है। इन सबका दर्द एक जैसा है और शायद इस वजह से इन्हें एक परिवार बनने में समय नहीं लगा। अपनों के छोड़ देने के गम को, अपने अकेलेपन को दूर करने का तरीका ढूंढ लिया है इन्होंने। रीति जी कोई दीदी कदर ही नहीं है, अभी आगे भी कोई कदर नहीं होगी। उन्होंने कहा सब कोई आगे करे चाहे ना करे, इसलिए हमने अपनी स्वेच्छा से पिंडदान कर दिया। सुख के सब साथी दुख में ना को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना को। सुख के सब साथी दुख में ना को। बुजुर्गों के इस परिवार को संभालने वाली अपना घर की संचालिका माधुरी मिश्रा हैं, जिन्हें ये बुजुर्ग प्यार से माँ बोलते हैं। कहते हैं बुजुर्ग बच्चों की तरह होते हैं, माधुरी मिश्रा इनका ख्याल भी बच्चों की तरह रखती हैं। उन्होंने बताया कि असली पितृपक्ष क्या है। दो तीन दिन पहले जब ये श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ तो ऐसा विचार किया कि हमें ये करना है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो मैंने कुछ पंडितों से बात करी और आपकी इन लोगों की भी बात करवाई, तो वो बोले कर सकते हैं। तो ये सब सहार स्वीकार करा इन्हें कि हम खुद करेंगे। ये खुद अपना जो इनके पास छोटा मोटा पैसा था उससे इनने पूजन का सामान मंगाया, सबने इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा, और जो भी 100-200 का सामान आया होगा वो इनने अपने, हमसे किसी चीज की कोई मांग नहीं करी। और मुझे लगता है कि एक दृष्टि से सोचा जाए तो बहुत अच्छा किया। वो बच्चे जो जीते जी माँ बाप की कदर नहीं करते और मुर्दे की फिक्र करने आ जाते हैं, क्योंकि वो 2-4 घंटे की जो डेड बॉडी होती है उसको तो संभालेंगे, बड़े बड़े शॉल उड़ाएंगे, माला पहनाएंगे, और वो सोचते हैं 1-2 घंटे का हमारा साथ है, उसको निभाने आते। तो मुझे लगता है बुजुर्गों को भी कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए, अपनी चीजों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। इन बुजुर्गों ने मौत के बाद मोक्ष का इंतजाम तो कर लिया है, अपनी औलादों को रास्ता भी बता दिया है। क्या पता उनकी औलादें भी कभी उन्हें ओल्ड एज होम छोड़कर चली जाएं, तब शायद ये तरकीब उनके भी काम आए। कोई खतीदा जब रूठ जाती है तो और भी खतीर हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1-2-3 हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।